कर लिया जाता है और झूठे धारे लगाकर तमाम ऐसे धारे लगाकर प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, चाहे यहां हो चाहे दिल्ली लोग प्रगत। जब बलौदा बाजार के घटना को लेकर विधायक और कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान पदाधिकारी करता कि ये आए अपना वोट दे। भारत माता की, भारत माता की। आगामी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे सरकार कैसे जेल के अंदर डाले के काम कर रहे थे, आज उनके विरोध में पूरे प्रदेश में माननीय दीपक बैज जी के निर्देश में आज धरना के आयोजन करेंगे। क्योंकि एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो काम के 15 दिन में हुआ था उसके उपलक्ष्य में आज हम लोग पूरा कांग्रेस पार्टी पूरा कहावत भी हमें हमें सुना जरूर था, अन्याय हुआ है। आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ये धरना प्रदर्शन बलौदा बाजार की घटना हुई और उस घटना में जो निर्दोष लोगों पर कार्रवाई हुई, चाहे संग्रामी समाज के लोग हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे विधायक हो, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करना गलत है और असली अपराधी असली दोषी सरकार के संरक्षण में खुलेआम घूम रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं होना और विपक्षी दलों पर कार्रवाई होना ये सरकार का सोची समझी साजिश है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। बिल्कुल हमारा प्रदर्शन लगातार 17 तारीख से चल रहा है, आगे भी हमारा लड़ाई जारी रहेगा और सरकार को हम लोग बेनकाब करके रहेंगे और निश्चित रूप से डर और भय का वातावरण जिस तरह सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी।